कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुन कुन द्वारा रचित श्री समयसार ग्रंथ में हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार से प्रारंभ हुई, और वह उसमें जो 72वीं जो गाथा थी उसमें जीव को यह बताया कि जब यह जीव आत्मा आश्रम में भेद जान लेता है तो उसको बंध का निरोध नहीं होता है। यह 71वीं गाथा में बताया गया। उसके बाद जो 72वीं गाथा थी उसमें बताया गया कि उसमें आश्रव हैं कैसे। आश्रव असुचि हैं और विपरीत भाव वाले हैं। और जो फिर उसमें जो अपनी जो उससे बात की चर्चा थी वो तो हमारे पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने कर दी। अब यहाँ से जो टॉपिक छूटे गए थे वो क्रिया ज्ञान एकांत और क्रिया ज्ञान एकांत और एकांत क्रिया ने की बात अपन को करनी थी। अब यहाँ जो परिभाषा ली गई है कि क्रिया एकांत क्रिया ने क्या है, एकांत क्रिया ने क्या है कि जो राग की मंदता रूप, राग की मंदता और तदनुरूप शरीर की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया ने का एकांत है। अर्थात क्या कि जो राग की जो मंदता, जो पाप आदि, जो पाप जो पांच पाप और क्रोध आदि जो भाव होते हैं वह क्रोध वह क्या होता है, वह राग की तीव्रता में होते हैं। और जो राग की मंदता होती है तदनुरूप शरीर की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया ने का एकांत है। अर्थात क्या कि दान लाभ पूजा आदि और व्रत संयम जो पालता है और वह यह सोचता है कि मैं यो कर रहा हूँ वह ये कर रहा हूँ यही धर्म है और इसी से मेरे मोक्ष की सिद्धि होगी, मोक्ष की सिद्धि होगी। अगर कोई अज्ञानी जीव है वह शास्त्रों को यथार्थ तो जानता नहीं है कि किस अपेक्षा से बात की गई है, किस अपेक्षा से उसमें धर्म बतलाया गया है, यह जीव तो जानता नहीं है। तो क्या करता है कि अगर अगर अब गांव में या शहर में ये मुनिराज आदि आते हैं उनकी बहिया वृत्ति करके अपने को क्या मानता है, ज्ञानी धर्मात्मा जी मान लगता है और क्या सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं इसी से मेरे को मोक्ष की प्राप्त होगी। पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी यह तो वो जो जानता नहीं है कि जो मुनि भगवान कि वो किस मार्ग पे चले और उनका जो ज्ञान का जो सिस्टम था, मतलब वो ज्ञान के किस पथ पर चले। अगर वो ऐसी क्रिया करते रहते तो वो श्रावक से मुनि धर्म अंगीकार क्यों करते, श्रावक से मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता। उसने श्रावक और गृहस्थ धर्म छोड़कर मुनि पद अंगीकार किया। मुनि पद अंगीकार क्यों किया, क्योंकि जो श्रावक गृहस्थ अवस्था में जितना धर्म बन सकता था और जितनी उसकी योग्यता थी वहां पर उसने श्रावक धर्म गृहस्थ अंगीकार किया। पर वहां पे पापों की प्रवृत्ति ज्यादा होने से उसने क्या किया कि नहीं, उसने देखा कि भगवान ने जो मार्ग अपनाया, भगवान ने क्या मार्ग अपनाया कि भगवान बनने से पहले मुनि पद उन्हें मुनि पद को अंगीकार किया। जो श्रावक और जो अज्ञानी जीव है वह क्या करता है कि अगर कोई मुनि महाराज आए और कोई जिन मंदिर हुआ और जो शास्त्र स्वाध्याय आदि किया वह क्रिया से धर्म मानता है। जो मुनि पद जो अंगीकार करता है वह मुनि पर आत्मदशा के लिए अंगीकार करता है। और जो आत्मदशा है वह ज्ञानी ये तो जानता नहीं है कि मात्र जो क्रिया आदि से जो धर्म मानता आ रहा है और यही क्रिया ने का एकांत है। क्यों कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये भगवान की मैं बहिया वृत्ति कर रहा हूँ, मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं व्रत आदि शील तप आदि पालन कर रहा हूँ, मैं करने वाला करता। और जीव का स्वभाव अकर्ता है और जीव उसको मानता क्या है कि मैं करता हूँ। और यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आ जाती है। जहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आ जाती है वहां अहम आ जाता है। जहाँ जहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के साथ अहम प्रवृत्तता है वहां क्रोध आदि पाप पांच पाप ऑटोमेटिकली जीव के स्वभाव में विराज जाते हैं। जीव के स्वभाव में विराज जाते हैं मतलब क्यों पर की परिणति उसमें विराज जाते हैं। जीव का स्वभाव शुद्ध चैतन्य रूप निर्मल आत्मा। और यहाँ जो ज्ञान ने एकांत ने का खंडन किया, जो एकांत जो ज्ञान ने है वह क्या है कि जो शास्त्र आदि में पढ़ रहा हूं, शास्त्र आदि के ज्ञान से अपने मोक्ष की सिद्धि को मानता है। कि क्या मानता है कि मैंने ये ज्ञान मैंने ये समझ लिया, समझ तो लिया पर उसको अंतर में धारण नहीं करता है। उसके प्रति जो यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए वो तो जीव को नहीं होता है। क्या करता है कि मैंने ये शास्त्र समझ लिया, हाँ बस हो गया और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मेरे को सब ज्ञान है,
पर जो ज्ञान का जो भेद है कि आत्म रमणता रूप जो लीनता वो तो वह जानता नहीं है, तो क्या मानता है ज्ञान और क्रिया मोक्ष मार्ग के एक दूसरे के पूरक है? क्योंकि आत्म रमणता रूप और लीनता, आत्म जो रमणता है वह ज्ञान, और उसमें जो लीनता वह चारित्र, जो आत्म रमणता रूप जो लीनता है वह क्या? ज्ञान क्रियाव्याम मोक्षा। यहां पे भी दिया गया ज्ञान क्रियाव्याम मोक्षा। फिर यहां पे बात आती है कि उत्तर में लिखते हैं राग की मंदता और तदनुरूप शरीर की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रिया नय का एकांत है, और अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रमों की भिन्नता जान लेना मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञान का एकांत है। इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया गया। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यहाँ एकांत क्रिया नय व एकांत ज्ञान नय का खंडन किया है, जो राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है। राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है अर्थात क्या? अगर अपने को किसी जीव के प्रति दया के ही भाव आते हैं तो वे राग की मंदता के रूप ही आते हैं। अगर भगवान का जो भजन आदि और जो सास स्वाद्य आदि होता है वह राग की मंदता में ही होता है। पर वो है क्या? क्योंकि उसमें क्रिया की प्रधानता मुख्य हो जाती है, क्योंकि वो क्या मानता है, मैं इनको अष्टांग नमस्कार कर रहा हूं, मैं इनकी भक्ति कर रहा हूं, इनकी भक्ति कर रहा हूं, ये तो क्रिया की प्रधानता है। अगर वो उसमें यही भाव नेत्र करता है कि जैसे इनके गुण है, जैसे कि इनके अंदर जो गुण विराजमान है, वे ये तो जानते नहीं कि मेरे अंदर भी ऐसे ही गुण विराजमान है, पर वो उन्हीं से, और जो पर से सुशोभित जो भगवान आत्मा है, पर से सुशोभित जो बाहर की जो स्फटिक प्रतिमा आदि है उन्हीं से उनको सुशोभित मानता है, उनका जो असली स्वरूप है उनसे उनको सुशोभित नहीं मानता है। मतलब जो बाहर की जो क्रिया है वही तथा जो जानने मात्र को भेद ज्ञान मानता है वह शुष्क ज्ञानी है। शुष्क ज्ञानी अर्थात तुच्छ ज्ञानी है। दूसरे प्रकार से कहें तो व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा। ऐसे क्रिया ने के पक्षपाती तथा परलक्षी ज्ञान मात्र को सम्यक ज्ञान कहने वाले एकांत ज्ञान ने के पक्षपातियों का यह खंडन किया गया। अब जो आत्म वस्तु है वे ज्ञान आनंद का घनपिंड है। वे जब ज्ञान आनंद का घनपिंड है उसमें क्रिया की मुख्यता ना होकर के अपने आस्वभाव में रमणता रूप जो लीनता होती है यहाँ उसकी बात की गई है। पर जो जीव है वह अज्ञान के कारण आश्रव और बंध में निरोध न पहचानने के कारण, आश्रव और बंध में भेद ना जानने के कारण क्रिया को ही धर्म मान लेता है, और यह मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर आगे इसी के संदर्भ में वर्णन करते हुए आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव 47वां कलश लिखते हैं। जो कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करने से पहले जो आचार्य अमृतचंद ने 46वां कलश लिखा उसमें भी ज्ञान ज्योति को मुख्य करके बताया गया। उस समय भगवान आत्मा 3 बार लिया गया था। 3 बार लिया गया था से तात्पर्य क्या है कि भगवान आत्मा कहीं पर में नहीं मिलेंगे, जो स्वयं का भगवान आत्मा वो स्वयं में ही मिलेगा उस। और जो ज्ञान ने को वहां पे बताया गया ज्ञान ज्योति कैसी है, परमोदात अत्यंत धीरम, और क्या करती है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अनादि से चलती आ रही है उसको क्या करती है, उसको शमन करती हुई ये ज्ञान ज्योति आत्म वस्तु रूप आत्म स्वभाव में प्रकट होती है। फिर यहाँ भी ज्ञान 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 ज्योति को विस्तार से समझाते हैं। इस उधर भी ज्ञान ज्योति को परम उद्धव परम अत्यंत धीर बताया था, और यहाँ भी क्या बताते हैं कि ज्ञान कैसा है, ज्ञान उच्चंड। पहले इसका अपन पाठ कर लेते हैं। पर परिणति मुज्जत खंडयन भेद बाधा निदमुदितम अखंडम ज्ञान मुचंड मुचय ननु कथम काश कर्तरी कर्म प्रवर्ते रिय भवति कथम वा पोद्गला कर्म बंदा। अब यहाँ अगर संधि करके पढ़ेंगे तो खंडया वेद बाधा, उसमें जो उसके लास्ट उसके सेकंड वाली लाइन में जो नी है उसका ना बादान में आ जाएगा, और जो कर्तरी कर्म प्रवर्ते उसकी जो बाद वाली लाइन है री उसकी जो एक रा हटा के तो उसका विसर्ग हो जाएगा। अब जो परपर्णति मुज्जत अर्थात मुज्जत का अर्थात क्या यहाँ क्या लिया गया है, छोड़ता हुआ। खंड या भेद वादा अर्थात भेद के कथनों को तोड़ता हुआ,
वेद के कर्तव्यों को तोड़ता हुआ। और यहाँ पर निदम उदितम अखंडम, इधर तीन वर्ड लिए गए हैं, उदित और इदम और उदित और अखंड। और यहाँ भी ज्ञान मुच्चंड मुच्चई में तीन अर्थ लिए गए, ज्ञान मुच्चंड ज्ञानम और उच्चंड और मुच्चई। उच्चंड का अर्थ यहाँ पे हिंदी में किया गया प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है, नहीं उच्चंड का अर्थ यहाँ किया गया प्रचंड, और उच्चई का अर्थ किया गया उग्रता। अब ये ननु कथम अवकाशा कर्तरी कर्म प्रवर्ते, ननु कथम अवकाशा क्या कि जब कर्तरी जब जब ज्ञान रूपी जो उच्चंड जो ज्ञान का भेद है जो ज्ञान का स्वरूप है वह जब प्रकट हो गया तो वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को जगह कहाँ रही, जब जब जगह नहीं रही तो वहां पर लिखने रिया भवती कथम व पौधगला कर्म बंधा। रिया भवती पौधगला कर्म बंधा अर्थात क्या, जब कर्ता रूपी कर्म की प्रवृत्ति मिट गई, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट गई तो वहां पौधगल जो पुद्गल रूपी जो कर्म बंध है वे किस प्रकार हो सकते हैं। अब यहाँ अपन जो पढ़ते हैं हिंदी पद्यानुवाद, पर परिणति को छोड़ती अरे तोड़ती सब भेद ब्रह्म, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति, जब अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अविकास, तब अरे किस तरह हो कर्म वंदन जगी जग मग ज्योति। जब हिंदी पद्यानुवाद क्या क्या है, परिणति को छोड़ता हुआ वेद के कथनों को तोड़ता हुआ यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है, तरह पौधगलिक कर्म बंद भी कैसे हो सकता है। अब जो परपरणति अब जो पर परिणति मुज्जत अर्थात क्या, जब 69वीं और 71वीं गाथा में 69वीं और 70वीं गाथा में बात आई थी कि कुहादिशु वट्टते जीवो विशेष अंतरम कुहादिशु वट्टते जीवो, कुहादिशु वट्टते जीवो क्रोधारी भावों में अंतर न जानता हुआ जीव पर परिणति में प्रवर्तता है, आत्मा और आश्रम में भेद न जानता हुआ यह जीव पर परिणति में प्रवर्तता है। अब यहाँ जो जब फिर 72वीं जब 71वीं गाथा है उसमें बात आ रही थी जैया इमे जब जब जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जान लेता है तब उसको बंद नहीं होता। फिर 72वीं गाथा में बात आ रही थी कि आत्मा की जो आश्रम वो बंद है वो कैसे है, असुचि और विप्रिय भावम। अब जो इस प्रकार की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और जो पर परिणति रूप जो क्रोधादि इसको भाषित हो रहे थे वे ऐसी पर की परिणति को छोड़ता हुआ और क्या करता हुआ, खंड या भेद बाधा भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ अर्थात क्या कि कथन अर्थात जो मान्यता उसकी जो पर में ब्राजी थी जो मान्यता जो उसमें पर की थी क्या थी, ये क्रोधादि भाव मेरे हैं मैं इनका करता हूं, ऐसे भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। और फिर यहाँ बात आ रही थी कि जो ज्ञान और जो दूसरी लाइन में जो दिया गया है ज्ञान के दो भेद दो विशेषण कैसा है ज्ञान, ज्ञान उच्चंड है और क्या है अखंड है। अब जो ज्ञान उच्चंड और अखंड है तो फिर एक और बात उठती है कि ज्ञान के जो पांच भेद हैं मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी। अब जो मति श्रुत अवधि जब जो पांच भेद हैं तो फिर इधर आप ज्ञान को अखंड बोल रहे हो और उधर आप ज्ञान को ज्ञान के पांच भेद कर रहे हो, ऐसा क्यों। वो ऐसा ज्ञों के निमित्त से ज्ञों के भेदों के निमित्त से ज्ञान में और क्षेत्रों के विशेष ज्ञान से उस ज्ञान में पांच भेद भाषित होते हैं पर वो ज्ञान पर वो क्षेत्र की वजह से वहां पे पांच भेद किए हैं, क्यों, क्योंकि जीव की यथा योग्य योग्यता ना होने के कारण जीव की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वहां पांच भेद किए गए हैं। अब यहाँ जब यह जीव ज्ञान उच्चंड उच्चंड अर्थात प्रचंड, जैसे जब कोई अग्नि जलती है तो वह सब ओर से समन करती है अपने आसपास की चीजों को अपने ऊपर अपने में समा करके स्वाहा कर देती है। जब ये ज्ञान उच्चंड प्रकट हुआ तो क्या हुआ, कर्ता कर्म रूपी प्रवृत्ति जो इसके चारों ओर जो फैली हुई थी जब ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ तो अंतर की लौ से वह कर्ता कर्म की प्रगति जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति सब ओर से क्या हो गई, समन हो गई अर्थात वह स्वाहा हो गई। और जो ज्ञान उच्चंड और जो उच्चई जो वर्ड है वे ज्ञान के संग में भी लगेगा और जो उदित है उसके संग में भी लगेगा। कि ज्ञान रूपी शूर जब उदित होता है तो वह सारे ओर से तम को नष्ट करता हुआ प्रकट होता है। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें ज्ञान रूपी जब सूर्य जब अपने अंतर में प्रकट होता है तो वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को
भेद करता हुआ उसका नाश करता हुआ उसको प्रकट, नाश करता हुआ सेट जो उसका यथार्थ ज्ञान है उसको प्रकट करता है। और फिर जब वे ज्ञान यथार्थ प्रकट हो जाता है तो क्या होता है, ननु कथम अवकाशा कर्तरी कर्म प्रवृत्ति, तथा ऐसे में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अवकाश अर्थात जगह कहाँ है, जब जो अज्ञान के कारण जो आश्रय बंध में भेद निरंतर जो उत्पन्न हो रहे थे, जब वे यथार्थ ज्ञान करके वस्तु का वस्तु स्वरूप, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ के जब उनमें भेद स्व को स्व और पर को पर जब ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ तो वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहाँ रही, वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहाँ रही। जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण जीव को अनादिकाल से आसव और बंध निरंतर होते हुए आ रहे थे, जब वहां कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट हो गई तो वह पुद्गल रूपी कर्म बंध किस प्रकार बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया पर वो क्वेश्चन मार्क उसमें है कि वहां कर्ता कर्म की वजह, जब वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी वह मिट गई तो वह पुद्गल कर्म बंध भी नहीं बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक और बार उठाई गई कि कर्ता कर्म की जो पापाश्रव, फिर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह संपूर्ण आश्रव भावों को अपवित्र कहा गया है, जड़ कहा गया है, दुख का कारण कहा है। नहीं ऐसा नहीं कहा कि पापाश्रव अपवित्र है, जड़ है, दुख के कारण है, पुण्याश्रव पवित्र है, चेतन है और सुख के कारण। पापाश्रव को तो सारा जगत ही दुख का कारण बताता है, परंतु यहाँ तो संपूर्ण आश्रव भावों को अर्थात पुण्य भावों को भी दुख का कारण बताया गया है। और जो पापाश्रव है इनसे तो संसार भलीभांति परिचित है कि ये छोड़ने योग्य ही है, पर जो पुण्याश्रव है वह भी छोड़ने योग्य क्यों है, वह भी छोड़ने योग्य क्यों है, क्योंकि वह, क्योंकि जो पुण्य है वह बाह्य की सामग्री प्राप्त कराता है, ना कि अंतर में भेद ज्ञान को उत्पन्न कराता है, ना कि अंतर में भेद ज्ञान को उत्पन्न कराता है। और जो पापाश्रव है वह बाहर में दुख उत्पन्न कराते हैं, शाता और अशाता का उदय इन्हीं के उससे आता है। पुण्याश्रव है तो शाता, पापाश्रव है तो अशाता। और जो पापाश्रव है वह पांव में बनती हुई लोड़ी, वह पांव में बनती हुई बेड़ी के समान है। और जो पुण्याश्रव है वह सोने की बेड़ी के रूप में, पर दोनों ही बेड़ी क्या करती है, जीव को बांधती है, तो दोनों ही दुख का कारण है। अब यहाँ फिर यहाँ ज्ञान की बात आती है कि ज्ञान है जो जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है कि जानना और देखना, जो जीव का स्वभाव है। और फिर यहाँ और जो फिर यहाँ पे जो सच और सच जो आश्रय भाव और वह पुण्य भावों को दुख का कारण बताया गया, पर जो दुख के कारण है वह भी सोने की बेड़ी के समान ही जीव को बांधते हैं और दुख उत्पन्न करते हैं। जीव का स्वभाव तो ज्ञान आनंदमय और स्व को स्व अर्थात पर को पर जानना है। जब यह जीव आश्रव और आत्मा में भेद न कर पाने के कारण जो जीव अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा था, तो वे 72वीं गाथा में चर्चा उठाते हैं कि क्या मात्र जानने से इसका निरोध सिद्ध है, क्या मात्र जानने से इसका निरोध सिद्ध हो जाएगा कि मात्र मैं आश्रवों को आश्रव और आत्मा को आत्मा जान लूं, तो क्या वास्तव में बंध का निरोध रुक जाएगा। तो वहां लिखते हैं कि जो जीव है, अगर जीव को यह पता चल जाए कि मेरे जो अहित रूप जो है यह मेरा अहित चाहते हैं, तो वहां से स्वतः ही जीव ऑटोमेटिकली हट लेता है। तो यहाँ भी जो अज्ञान है, जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, जब जीव को यह आश्रव और आत्मा में भेद के माध्यम से पता चलते हैं कि यह क्या है, यह मेरे अहित कारक है। और नाटक समय सार में तो कहा भी गया है, स्वारथ के साचे पर मारथ के साचे चेत, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। अर्थात क्या, स्वारथ के साचे पर मारथ के साचे चेत, अर्थात जो अज्ञानी जीव था वह पराश्रय में अपने को स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, जो पर वस्तु है उसमें अपना स्वार्थ देखता था, पर पराश्रय में स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ के सांचे, जो स्वार्थ कहाँ है, स्वार्थ वास्तव में अपनी आत्मा में, स्वार्थ के सांचे। और जो अपनी आत्मा में जो सुख है वही क्या है, यथार्थ सुख है, वही परमार्थ सुख है। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चेत, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। और जो क्या है, और जो आचार अमृतचंद ने क्या है, साची साची बहन कहे, वह इस ज्ञान रूपी शास्त्र में भी
वहां भी उनने सांचे सांचे बयान कहे, मतलब क्या कि जो वस्तु स्वरूप है और जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है उसी को यथार्थ रूप से बतलाया गया है। काहू के विरुद्धि नहीं पर जाए बुद्धि नहीं, आत्म गवेषी न ग्रहस्त है ना जाती है। फिर यहाँ पे भी ग्रस्तों की बात क्रिया ने और एकांत ने में उठाई गई कि आत्म गवेषी न जो जो परमार्थिक सुख है वह क्या है, आत्म गवेषी मतलब आत्म रूप रमणता और उसमें लीनता, वह ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। जो जहां पे भी क्या आत्म गवेषी न ग्रहस्त है ना जाती है, जो जो अपने आत्म में रम गए वे ना तो ग्रस्त है और ना वे बाहर की जातियों से अंदर में प्रभावित होते हैं। आत्म गवेषी न ग्रस्त है ना जाती है, अंतर की लची सो अजाची लच्छ पति है। मतलब क्या अंतर के भेद विज्ञान से अर्थात अंतर के लक्ष्य से जो ऐसी की बुद्धि उत्पन्न हुई, कैसी कैसी बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि उत्पन्न हुई से आत्म मतलब क्या कि जो परपणति है वह बाहर की परपणति पर परिणति जो आश्रव और बंद रूप भाषित हो रही थी उस परपणति को उस परपणति को छोड़ता हुआ जो भाषित हो रही थी वहां इस परपणति को भेजा छोड़ देता है तो स्वार्थ है। स्वार्थ उसको अपना किसमें दिखाई देता है, एकमात्र अपनी आत्मा में। और फिर यहाँ ऊपर खंडयत भेद बाधा की बात आ रही थी कि जो मत्ती, फिर यहाँ पे एक बात फिर यहाँ पे ये लिखा था कि यह आत्मानुभूति की ही बात है, केवल ज्ञान की नहीं। यहाँ पे केवल ज्ञान का निषिद्ध क्यों किया गया, केवल ज्ञान का निषिद्ध इसलिए किया गया कि जो केवल ज्ञान होगा वह आत्मानुभूति के बल पर ही प्रकट होगा। केवल ज्ञान बिना आत्मानुभूति के तो प्रकट होगा नहीं। यहाँ पे केवल ज्ञान की जो केवल ज्ञान है वह आत्मानुभूति जब जीव को उत्पन्न होती है तो केवल ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है तो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली विकल्प तरंगों का समन हो जाता है। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है अर्थात क्या, जब जी को अपना शुद्ध निश्चय से जो भगवान आत्मा है वह जी को यथार्थ और स्व को स्व पर को पर वासित होने लगता है तो जो मति और श्रुत ज्ञान है वह पर के निमित्त से होने वाला ज्ञान है। मति और श्रुत वह पर के निमित्त से होने वाला ज्ञान है और जो आत्मानुभूति है वह स्व के निमित्त से होने वाला ज्ञान है। और जो जब जब आत्मानुभूति होती है तो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली तरंग है किस प्रकार कि मैं मति ज्ञान वाला हूं, मैं श्रुत ज्ञान वाला हूं। अर्थात क्या कि फिर ऊपर वाला थी गेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं कि अभी अपन समय सार का अध्ययन कर रहे हैं तो वे ज्ञान का गेय क्या बनता है, समय सार बनता है। जब अपन सवेरे मोचमा प्रकाशक पढ़ेंगे तो उस समय ज्ञान का गेय क्या बनेगा, उस समय ज्ञान का गेय बनेगा मोचमा प्रकाशक के विषय का जो गेय बनता वो होता है। पर जो क्षयोपशम के विशेष से गेयों में जो भेद भाषित होते हैं वे क्षयोपशम के विशेष से भाषित होते हैं, वे क्षयोपशम के कारण भाषित होते हैं, अनेक खंड रूप भाषित होते हैं। अर्थात क्या कि मैं मति श्रुत वाला हूं और मैं मनपर्या ज्ञान वाला हूं। जो और ज्ञान कैसा है, ज्ञान अखंड है। यहाँ पर केवल ज्ञान की बात क्यों नहीं की गई, केवल ज्ञान की बात इसलिए नहीं की गई जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो तीनों लोक की पर्याय एक समय में एक साथ जानने को आती हैं। पर जो आत्मानुभूति है उसमें केवल ज्ञान को इसलिए नहीं लेगा, उस आत्मानुभूति में केवल ज्ञान का यहाँ पर इसलिए निषिद्ध किया गया क्योंकि आत्मानुभूति में मात्र जो अपना चेतन स्वभाव वह आत्मानुभूति में आता है। और जो मति श्रुत ज्ञान जब ऐसा ज्ञान अपने को भाषित हो रहा था तो उस समय ज्ञान अनेकाकार हो रहा था। जब निज भगवान आत्मा जब अपने स्वरूप में आया तो वहां ज्ञान को एकाकार कह दिया गया। फिर एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का गेय बनता है अर्थात ज्ञान एकाकार हो जाता है। और जिनके कारण ज्ञान अनेकाकार हो जाता था आत्मानुभव के काल में ऐसा नहीं होता है अर्थात एकाकार ही रहता है। ऐसी स्थिति में जब वो ज्ञान एकाकार हो गया, जब ज्ञान में पर के कर्तत एकत ममत कर्तत भोक्तत की बुद्धि मिट गई तो उसमें पर के कर्तत की बुद्धि कैसे हो सकती है और तत्संबंधी पौद्गलिक कर्म का बंध भी कैसे हो सकता है कि चार दोस्त थे वे कहाँ जा रहे, वे जंगल में जा रहे थे। जब जंगल में जा रहे थे तो अचानक बारिश होने लगी तो जो बिजली थी वह अत्यंत तीव्र रूप से कड़कड़ाती हुई
उनको उन चारों को ये भय लगा कि ये बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी, इसलिए हम चारों के ऊपर गिर जाएगी। तो वे बिजली से बचने के लिए एक वहां पे खंडर बना हुआ था, तो उसमें जाकर बैठ जाते हैं। तो उनमें से चारों थे, चारों को एक एक चीज लगती, इनमें से कोई पापी है जिसके कारण से इतनी बिजली कड़कड़ा रही है, इनमें से कोई पापी है जिसके कारण से ये बिजली कड़कड़ा रही है। तो उन चारों ने एक इस समस्या का एक एक हल खोजा कि एक एक करके अपन खंडर से बाहर जाएंगे और जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और क्या उसका क्या हो जाएगा, वही नाश हो जाएगा। पर तो वे एक एक करके गए, जब तीन जने एक एक करके बाहर गए तो उनमें से तीनों में से कोई नहीं बचा, जो चौथा बचा तो उन तीनों ने लास्ट वाले में बचकर क्या आरोप लगाया, तू पापी है तू बाहर निकल, तू पापी है तू बाहर निकल। जब वो जैसे ही बाहर निकला उन तीनों के ऊपर बिजली कड़की और वो ऑन द स्पॉट वहां खत्म हो गए, वहां खत्म हो गए। से अब यहाँ की उनकी पर में जो कर्तव्य की बुद्धि थी वह क्या बुद्धि थी कि इसके कारण से मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि ये पापी है इसके कारण से मेरा नाश हो जाएगा। तो उन लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, पर उसका उसका पुण्य उसके साथ था। मतलब जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि उनके मन में क्या बैठा था, उन तीनों के मन में, कि इसमें से कोई एक पापी है जिसकी वजह से हमारा भी नाश तय है। पर जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वह जीव के अपने ही भावों से अपने पाप आश्रमों से बंद करता हुआ जीव को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। और बड़े पंडित जी की रचना है उसमें भी ज्ञान को बताया गया, निरपेक्ष हूँ कृते कृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरविलंबी मात्र ज्ञायक स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ। जब वह निरपेक्ष की बात आई क्या कि पर से कोई अपेक्षा ही नहीं है, और जब कृत्य कृत्य अर्थात कुछ करने योग्य भी नहीं रह गया, स्वभाव से ही परिपूर्ण अर्थात मैं स्वयं से ही स्वयं से ही उत्पन्न हुआ, नहीं जो मेरा ज्ञान है वह स्वयं से ही उत्पन्न होता है, कहीं जो पर में एकत्म और कर्तव्य बुद्धि से उत्पन्न नहीं होता है। आज की वाणी को यही विराम देते हैं।